क्वेश्चन है अपने पास में, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। यहाँ पे अपने को चार ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं और अपने को ये बताना है कि चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है कि आपके पास में अगर एयर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट फोर्स जिसका केप्पा है या फिर कह सकते हैं कि के है, अगर उससे रिप्लेस कर दिया जाए तो दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपके पास में यहाँ पे चार्ज है क्यू वन और यहाँ पे चार्ज है क्यू टू, अभी इन दोनों के बीच में जो है एयर रखी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर इस एयर की जगह पे कोई एक ऐसा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दें जिसका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का कॉन्स्टेंट कितना हो, के हो, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये चारों ऑप्शन अपने को इन्होंने दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जब भी दो चार्जेस को हम लोग एयर में रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन या रिपल्शन का, वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए कूलम्स लॉ का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में होता है एफ एयर या फिर वैक्यूम, मतलब फोर्स दो चार्जेस के बीच में जब वो एयर या वैक्यूम में रखे हों तो क्या होता है, 1/4πε0 q1 q2/r², ठीक है। यहाँ पे 1/4πε0 एक कांस्टेंट होता है और q1 और q2 दोनों चार्जेस होते हैं और r इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ तो इन्होंने कब दे रखी है, जब एयर में हो तब, लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करेंगे तो उस मीडियम में क्या आ जाएगा, एफ मीडियम, यानी कि जो फोर्स लगेगा, मान के चलिए इन दोनों चार्जेस को आपने पर्टिकुलर किसी एक मीडियम में रख दिए, ठीक है, तो उस मीडियम में इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा 1/4πε0 q1 q2/r². यहाँ पे एप्साइलॉन का मतलब होगा उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, मीडियम्स परमिटिविटी हो जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो परमिटिविटी है ई, इसका हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है ई नॉट ई आर, यानी कि एप्साइलॉन नॉट एप्साइलॉन आर, दैट मीन्स एप्साइलॉन आर जो है यहाँ पे, इसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केप्पा या फिर के भी लिखते हैं, तो यहाँ पे ई या फिर एप्साइलॉन इज इक्वल्स टू बोल सकते हो एप्साइलॉन नॉट के, राइट। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ मीडियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 k q1 q2/r². यहाँ पे ये जो k है इसका मतलब ध्यान रखिएगा ये है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब देखिए f मीडियम में हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया, राइट, यानी कि जिस किसी पर्टिकुलर मीडियम की हम लोग बात करेंगे उस मीडियम में हम लोग इस फॉर्मूले से उसका फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो ये जो इतना पोर्शन हमारे पास में आ रहा है ये वाला, सिर्फ इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ दें तो इतना जो पोर्शन है जो मैंने इस शेप में बनाया है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, एफ एयर है, यानी कि एफ मीडियम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, एफ एयर अपॉन के, दैट मीन्स जितना भी फोर्स एयर में जब उन चार्जेस को रखोगे तब लगेगा, उससे अगर आप के को डिवाइड कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एफ मीडियम में लगने वाला फोर्स, यानी कि पर्टिकुलर उस मीडियम में जो भी फोर्स लगेगा वो कैसे निकलेगा, एयर में लगने वाले फोर्स को जब आप के कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दोगे तब, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि के टाइम डिक्रीज हो रहा है, राइट, अपोन में आ रहा है, अपोन में आने का मतलब क्या हो गया कि एयर में जितना भी फोर्स लग रहा है उसको के टाइम्स डिक्रीज कर दोगे तब आपको जाकर मिलेगा एफ मीडियम, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में लगने वाला फोर्स मिल जाएगा, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में क्या आ गया, आएगा आंसर कि के टाइम डिक्रीज होगा, और डिक्रीज वाला कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट।